The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. Kaise hain aap, dosto? Neend ke baare mein to aapko pata hoga, par kya aap jante hain ki neend ki bhi stages hoti hain? Ji haan, uski bhi stages hoti hain, aur in stages ka aapko jana bahut zaruri hai. और इसी के ऊपर आपका आज का वीडियो है. आइए बात करते हैं. नींद के बारे में आप जानते हैं, लेकिन नींद में आपका दिमाग जो है वो एक्चुअली में बहुत एक्टिव रहता है. आपकी शरीर तो सो जाता है, और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो फिजिकली और मेंटली आपके शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है. और बहुत ही जरूरी है, सब जानते हैं कि नींद आपके शरीर के लिए ना सिर्फ रेस्ट करने के लिए बल्कि एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, कई सारी दुनिया भर के स्ट्रेस से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम्स को दिमाग में सही तरीके से सॉल्व करने के लिए, बीमारियों से रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है. और कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे और नींद को नहीं समझेंगे. तो आइए नींद को थोड़ा समझ लेते हैं. कितनी नींद जरूरी है आपको? एक छोटे बच्चे को 16 घंटे, इन्फेंट जो होता है एक साल के नीचे जो होते हैं उनको 16 घंटे की नींद चाहिए. जो टॉडलर्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको 12 घंटे, और जो टीनेजर्स हैं उनको 9 घंटे की, और एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए. बहुत जरूरी है. कुछ लोग 5 घंटे 6 घंटे सो लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे, मगर 7 से 8 घंटे बहुत जरूरी है. प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको ज्यादा नींद चाहिए पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में. ठीक है, नींद के जो स्टेजेस हैं उनको मोटा मोटा 2 प्रकार की नींद है, टाइप्स एंड स्टेजेस. ठीक है, पहला है रैपिड आई मूवमेंट समझते हैं. एक होता है ना, नींद में दिमाग एक्टिव होता है, तो एक जब एक्टिव होता है आंखें भी आपके ऐसे से हिलती हैं, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM नॉन REM. ठीक है, और आपकी बॉडी जो है उन दोनों में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, अलग अलग रोल है इनका आपके बॉडी के लिए रिकवरी में और सारे प्रोसेस में. समझते हैं इसको. देखिए, 2 प्रकार की स्टेजेस हमने बताई. एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो कि पहले होती है, उसी के अंदर 3 स्टेजेस हैं. ठीक है, और ये इसके जो लास्ट के 2 स्टेजेस हैं रैपिड आई मूवमेंट के, वो एक्चुअल नींद है जो आप सोते हो. और अगर उसमें सोते हैं, इसकी जो लास्ट स्टेज होती है उससे उठना बहुत मुश्किल होता है, इट इज अच्छी गहरी नींद होती है. और REM स्लीप क्या होती है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये बहुत बीच बीच में आती है, और 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद आएगी पहली बार, और इसी के अंदर आपको आएंगे ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स, जो आपको सपने आते हैं वो आते हैं REM स्लीप में. ठीक है, अब इसको समझते हैं. जैसे ही आप सोने लगते हैं आपकी बॉडी में एक साइकिल शुरू होता है, और ये स्लीप साइकिल जो है पहले स्टेज में चला जाता है नॉन REM स्लीप. तो सबसे पहले आपकी नॉन REM स्लीप का पहला स्टेज शुरू होता है, उसी के बाद आप जो है एक एक करके स्टेज 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 पार करते जाते हैं. पहला जो है नॉन REM स्टेज का साइकिल बिगिन होने में, आपका पूरा एक साइकिल पूरा स्टेज पार करने में आपको 90 से 110 मिनट लग सकते हैं आपका पहला REM स्लीप तक पहुंचने के लिए. REM स्लीप जो होता है पहला, अब थोड़ा सा समझ लो फिर समझ लेंगे इसको. एक तो होती है स्टेज 1, ठीक है, पहली स्टेज शुरू होती है 5 से 10 मिनट बाद ही. जैसे आप लेटते हैं जाके 5 से 10 मिनट में ये स्टेज शुरू हो जाती है. इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सब कुछ स्लो होना शुरू होता है. आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके हाथ पैर की मसल्स की एक्टिविटी स्लो होनी शुरू होती है. आंखें आपकी नींद से, आप बंद रखें तो आंखें बंद रहती है, और अगर आपको किसी ने इस पर्टिकुलर स्टेज से स्टेज 1 से उठा दिया तो आपको लगेगा आप तो सोए नहीं थे, आप तो सोने जा रहे थे, आपको लगेगा कि आप सोए ही नहीं हो. ठीक है, और कई बार इसके अंदर जो है एक आधा ऐसी झटका पड़ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हुआ, झटका पड़ा. ये होता है, हर एक के साथ होता है, इसे हम मायोक्लोनिक जर्क भी कहते हैं. ये आपकी स्टेज 1 स्लीप है. ठीक है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, इससे कोई कंसर्न नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबके साथ होता है. ठीक है, स्टेज 2 पे ये नींद थोड़ी गहरी होती है, लाइट सी नींद आने लगती है आपको, और आपके जो मसल्स के टोन है, मतलब कितनी टाइट है आपकी बॉडी, वो और ढीली होने लगती है, और ढीली होने लगती है, और रिलैक्सेशन पीरियड शुरू होता है. आपकी आंखों की मूवमेंट रुक जाती है, आंख अब और नहीं हिलेगी, रिलैक्स हो जाएगा, आंखें बिल्कुल आराम से लेटी रहेंगी, सो जाएंगी, आंख बंद हो जाएंगी, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है. और इसमें जो एक्चुअल अगर आपके दिमाग में EEG लगा के देखेंगे ना, तो आपके ब्रेन के अंदर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स, वो थोड़ी स्लो हो जाती है. ठीक है,
और कई बार इसमें स्लीप स्पिंडल नाम की भी एक वेव आ सकती है जो ब्रेन वेव में आती है, स्लीप स्पिंडल। ठीक है, एक नाम के लिए आपको बता रहे हैं बस, वैसे तो कुछ खास नहीं। बेसिकली आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर कर रही होती है कि ये थोड़ी गहरी नींद में चले जाए। स्टेज थ्री होती है जो आपकी मेन डीप स्लीप होती है, इसकी जरूरत है सबको, ये बहुत जरूरी स्लीप है, डीप स्लीप। अब इसमें क्या होता है, ब्रेन वेव में हम जब इसे ईईजी में देखते हैं तो हमें ईईजी में ब्रेन वेव्स में या डेल्टा वेव्स दिख जाते हैं। डेल्टा वेव बहुत स्लो वेव्स होते हैं, ये ब्रेन वेव में दिख जाते हैं कि ये आदमी डीप स्लीप में है, और ये जितनी देर डीप स्लीप में होगा उतनी देर डेल्टा वेव आएगी। अब डेल्टा वेव से पता चल जाएगा कितने घंटे डीप स्लीप हुई है नहीं हुई है, तो स्लीप स्टडी में पता चल जाता है। और अगर इसमें आपको कोशिश करें उठाने की तो बहुत मुश्किल होती, इसमें कोई आंख की मूवमेंट नहीं होती, कोई मसल एक्टिविटी नहीं होती। अगर इधर स्टेज से आपको किसी ने उठाया तो आप थोड़ी देर के लिए डिसओरियंट से घूमते हैं, जाओ यार रुक जाओ, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ, ग्रोगी फील करते हो आप, हाँ मैं क्या, हाँ क्या, वो वाला। सो दैट इज द स्टेज थ्री डीप स्लीप। अब ये नॉरियारियम स्लीप जो है, इसके तीन स्टेज हो गए, 1, 2, 3। ये तीनों स्टेज में जो सबसे जरूरी है वो स्टेज थ्री नॉरियारियम स्लीप है। ये क्यों जरूरी है, यही वो स्टेज है जो आपकी मसल्स और बोन को बिल्ड करेगा। तो बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत जरूरी है स्टेज थ्री। आपको कोई चोट लगी, आपको कहीं पे इंजरी हुई, तो रिपेयर और रीजनरेशन भी इसी में होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग भी यही करता है। तो नॉन आरियम स्लीप की जो डीप स्लीप है वो बहुत जरूरी है। और क्यों उम्र के साथ लोग बीमार होते हैं, क्योंकि उम्र के साथ आपकी नॉन आरियम की डीप स्लीप जो है वो थर्ड स्टेज और कम कम होती जाती है, यू गेट लेस डीप स्लीप देन यंगर पीपल। अब इसके बाद मान लो थर्ड स्टेज के बाद आती है आरियम स्लीप, पहली बार एक साइकिल होने के बाद। आरियम स्लीप जब होती है ना, तो ब्रेन एक्टिविटी जो बहुत कम हो गई थी वो एकदम से बढ़ जाती है, एकदम सोए हैं आप, डीप स्लीप में है, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन डीप स्लीप में नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आप होश में है। मेजर मसल जो आपकी होती है बॉडी की, वो आपको लगता है कि आप हिला नहीं सक रहे, आपको लगता है आप टेम्पररीली पैरालाइज हो गए। तो डिफिकल्ट, ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, यू कैन रियलाइज कुछ आ रहा है, सपने आ रहे हैं पर आप हिल नहीं पा रहे, टेम्पररी पैरालाइज। ये चलती है एक, कभी कभी एक से डेढ़ घंटा, कभी कभी पहले बार तो ये सिर्फ 10 मिनट की लगती, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, एक दो चार घंटे के बाद, एक दो घंटे के बाद, फिर एक दो घंटे के बाद, फिर ऐसी REM स्लीप आती जाती है। स्टेज 1, 2, 3 REM, स्टेज 1, 2, 3 REM, ऐसे होता जाता है रिपीट। तो दिस इज हाउ इट इज। और हर बार जब आती है, पहले 10 मिनट के लिए आएगी REM स्लीप, फिर मान लो आधे घंटे के लिए आएगी, फिर एक घंटे के लिए आएगी, हर बार आएगी उस रात में लंबी होती जाएगी। आरईएम स्लीप के दौरान आपकी जो बॉडी है वहां पर ब्रीदिंग फास्ट हो जाती, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेनिस में इरेक्शन जो आते हैं वो आरईएम स्लीप में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट आरईएम स्लीप में होते हैं, ये बेसिक चेंजेस आरईएम स्लीप में होते हैं। आरईएम स्लीप भी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम स्लीप की बात करें तो सबसे जरूरी स्लीप जो आपकी होती है होती है नॉन आरईएम स्लीप की डीप स्लीप। तो डीप स्लीप आपको बहुत जरूरी है, और स्लीप एक एसेंशियल पार्ट है जो आपको रेस्ट, रिचार्ज और रिपेयर करती है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको लगता है कि आपको डीप स्लीप नहीं आती है, तो आपके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, आपके खाने पीने से लेके आपके एनवायरमेंट, बॉडी, रूम टेम्परेचर, सारे कुछ उसमें एक फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर स्लीप, ताकि आप उसे ठीक कर सकें। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो इवैल्यूएट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से नहीं सो पाते। इस वीडियो में आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे जरूर शेयर करिए। आरईएम स्लीप, नॉन आरईएम स्लीप क्या होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।